अम्मू अनिक ब्लॉग प्रस्तुत करते हैं शिमला टूर। जो भी दोस्त नए हों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे शिमला की। यहाँ पर अपने जीवन में हर कोई चाहता है कि एक बार तो टूर होना ही चाहिए और सबकी इच्छा भी होती है। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं शिमला के लिए पूरा टूर प्लान लेके आया हूँ। कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और क्या खर्चा होने वाला है पूरे टूर पर, और यहाँ की मशहूर टॉय ट्रेन के बारे में पूरी जानकारी देने का कष्ट करूँगा। और सर्वप्रथम शुरू करते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। यहाँ का सबसे निकटतम एयरपोर्ट चंडीगढ़ एयरपोर्ट है और आप बाहर निकलिए, यहाँ से शिमला 120 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर टैक्सी वगैरह मिल जाएंगी तो आप जा सकते हैं और मनोरम दृश्य और नेचर को एंजॉय करते हुए पहुँच जाइए। ट्रेन से कालका स्टेशन मेन स्टेशन है। अगर आपकी ट्रेन कालका नहीं आती है तो घबराने की कोई बात नहीं, चंडीगढ़ जंक्शन पर आ जाइए, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर बाहर निकलिए। आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से कालका की दूरी 30 किलोमीटर की है। बाई ऑटो 500 रुपये लेंगे और बाई टैक्सी 1000 रुपये का ये लोग चार्ज करेंगे। अगर ये महंगा लगता है तो आप लोग ISBT 43 पर आ जाइए और उसके लिए बाई ऑटो 40 रुपया लगेगा और ISBT 2 कालका स्टेशन से बस से 60 रुपीज़ इन लोग चार्ज करेंगे। तो अगर आप लोग डायरेक्ट जाना चाहते हैं चंडीगढ़ टू शिमला नेचर को एंजॉय करते हुए, तो ऑर्डिनरी बस 300, डीलक्स बस 400 रुपया लेगी। चलिए तो हम लोग कालका से स्टार्ट करते हैं और इसकी टॉय ट्रेन की है। फर्स्ट ट्रेन आपको 3:30 AM मिल जाएगी, सेकंड ट्रेन आपको 5:40 AM और उसके फिर हर घंटे पर आपको ट्रेन मिलती रहेगी, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और टॉय ट्रेन की 96 किलोमीटर की जर्नी है। इसकी जनरल टिकट 60 है, फर्स्ट क्लास की 350 है और इकोनॉमिक जोन की है 600 to 900 और समय समय पर बदलती रहती है, तो आप लोग पता कर लीजिएगा। कालका शिमला रेलवे उत्तर भारत में 2 फीट 6 इंच की नैरो गेज रेलवे है जो कालका से शिमला तक ज़्यादातर पहाड़ी मार्ग से होकर गुजरती है। यह पहाड़ियों और आसपास के गांवों के शानदार नज़ारों के लिए जानी जाती है। इस रेलवे का निर्माण एक अंग्रेजी अधिकारी ने निर्देशन में 1898 और 1903 के बीच में ब्रिटिश राज के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला शिफ्ट करने के लिए किया गया था। इसकी शुरुआती इंजन का निर्माण बहुत ही अच्छा हुआ था और 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला को रेलवे को भारत के पर्वतीय रेल मार्गों की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। दोस्तों तो नेचर का एंजॉय करते हुए और मनोरम पहाड़ियों को दृश्य को देखते हुए हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं और यहां पर आप लोग आ जाइए मॉल रोड। मॉल रोड में सीजन में स्टार्टिंग में मई जून में कमरा 1500 से स्टार्टिंग हो जाता है और कोशिश ये कीजिएगा कि मॉल रोड के पास ही में ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें मॉल रोड के पास ही आपको घूमने को मिलेंगी। और मॉल रोड पर एक चौड़ा सा प्लेस है द रिड के नाम से, तो यहीं पर सारी आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। सेल्फी पॉइंट भी यहीं पर है, सारी एक्टिविटी भी शिमला की यहीं पर होती है, तो मेन प्लेस यहीं पर है। तो जब शाम हो जाती है तो लाइट के चकाचौंध से आपको एकदम से मनभावन लगने लगेगा और उसके पास ही एक चर्च भी है यहीं पर, तो चर्च को दिन में आप लोग घूम लीजिएगा और शाम को जब इस सड़क पर आप लोग घूमते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक स्कैंडल पॉइंट भी है, तो स्कैंडल पॉइंट के पास ही पुलिस हेडक्वार्टर है,
तो पुलिस हेडक्वार्टर पे जब रात को लाइट जलती है, ये अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जब आप लोग टहलते रहेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम लोग इंडिया में हैं, लगेगा कि हम लोग तो इंग्लैंड में हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों के द्वारा बनाया हुआ है। तो वही छवि आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर ये एक लक्कड़ बाजार है, तो यहाँ पर लकड़ी के बने हुए सामान आपको बहुत ही वाजिब रेट में मिलेंगे, और वूलन क्लॉथ भी मिलते हैं, तो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं, और स्ट्रीट फूड का भी आप लोग आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और दूसरे दिन हम लोग एक्सप्लोर करेंगे तारा देवी टेम्पल, दूधधारी टेम्पल और जाखो टेम्पल, बाबा बालकनाथ टेम्पल, रानी लक्ष्मीबाई पार्क, कालीबाड़ी मंदिर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, हिमालयन स्टेट म्यूज़ियम। तो चलिए हम लोग इसको शुरू से शुरुआत करते हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं तारा देवी टेम्पल। यह मंदिर पूरी तरह से लकड़ी के स्ट्रक्चर पर बना हुआ है और पत्थर के बेस पर खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर कभी कभी और या तो विशेष दिनों में यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, बेसिकली शनिवार इतवार को, मैंने ऐसा सुना था जब मैं गया था तो। और इसी के 5 मिनट की रास्ता इसी के पीछे दूधधारी टेंपल है। तो जब आप लोग जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर मतलब पहाड़ी का व्यू बहुत अच्छा है, घाटी का, और लोग जाते नहीं हैं, लोगों को मालूम नहीं होती है, लेकिन आप लोग जाइएगा ज़रूर। उसके बाद ही हम लोग इसको मंदिर को आप लोग इंजॉय कीजिए। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ से निकल के आएंगे, तो हम लोग यहाँ से पहुँचते हैं फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, इसको राष्ट्रपति भवन भी कहा गया है। यह अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ, इसकी एंट्रेंस टिकट 30 रुपीज़ है। तो इसके जो गार्डन वगैरह है, तो वो तो आप लोग सेल्फी वगैरह ले लीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगा जब इतनी दूर आए हैं तो 150 से 200 इसके अंदर की टिकट है, उसको लेके अंदर ज़रूर जाइएगा। ऐसी चीज़ें देखने को बहुत कम ही मिलती हैं कि राष्ट्रपति भवन अंदर से होता कैसा है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं हनुमान मंदिर, जाखो हिल पर बना हुआ है, जो इसकी बहुत खड़ी चढ़ाई है। अगर आप लोग पैदल पैदल जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और जगह जगह हनुमान चालीसा लिखी हुई है, तो हनुमान चालीसा पढ़ते जाइए और आपको आराम से 10-15 मिनट में आप लोग पहुंच जाइएगा। यह जाखो 8050 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। यहाँ पर हनुमान बाबा की जो मूर्ति है, हनुमान भगवान की, 108 फीट की है। तो यहाँ पर जाकर आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलने वाला है। और इसके पास ही एक वाटिका है, वहाँ पर भी आप लोग घंटे दो घंटे आप लोग जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके घुटने में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर रोपवे भी है, उड़न खटोला, एक साइड का 300 है और आने जाने का 500 रुपया चार्ज होता है। तो आप लोग उड़न खटोला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो सावधान रहिएगा, यहाँ की चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। तो गाड़ी ड्राइव वही करे जो एक्सपर्ट ड्राइवर हो, अन्यथा आप लोग ड्राइविंग करके ना जाएं, मॉल रोड पर ही गाड़ी को छोड़ दीजिएगा। इसी के पास ही बाबा बालकनाथ टेम्पल है, तो वहाँ पर भी जाइएगा और वहाँ पर भी इंजॉय कीजिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जब मैं गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर बाबा जी का सालाना वर्षगांठ मनाया जा रहा था। उसके बाद चले जाइए रानी लक्ष्मीबाई पार्क, मॉल रोड पर है ये। तो यहाँ पर बच्चों के लिए, एक्टिविटी के लिए झूले वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पार्क यह बना हुआ है। तो बच्चों को बहुत अच्छा आनंद आने वाला है, और बच्चों के लिए बना है तो भाई बच्चों को तो पसंद आएगा ही। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों कालीबाड़ी मंदिर, यह बहुत पुराना मंदिर है। और बताते हैं कि यहाँ पर जो भी कोई आता है अपनी मन्नत मांगता, उसकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है, इसलिए यहाँ पर आप लोग जाइएगा ज़रूर। और मन्नत का धागा बांधा जाता है, तो वो धागा ज़रूर बांधिएगा। यह बहुत पुरानी शैली में मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर शिव भगवान का, भोले भंडारी का भी हमारा मंदिर है। जहाँ पर शिव हो वहाँ शक्ति, जहाँ पर शक्ति है वहाँ शिव, तो ये होना ही है।
और इसके बाद चले जाइए हिमालयन स्टेट म्यूज़ियम। तो वहाँ पर दोस्तों जब आप अंदर जाएंगे तो आपको हिमालय के बारे में आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ का रहन सहन और यहाँ की वेशभूषा, यहाँ का कल्चर, तो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जितने भी पर्यटन आते हैं वो लोग आते ज़रूर हैं, तो आप लोग आइएगा ज़रूर। और हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं हिमालयन बॉर्डर पर, तो उनकी भी मूर्ति वगैरह लगी हुई है, तो यहाँ पर आइएगा ज़रूर। और डे 3 में कुफरी 16 किलोमीटर है और फन वर्ल्ड है, हिमालयन नेचर पार्क है और साइट सीन एंजॉय करते हुए आप जाइएगा। तो अगर आप सर्दी में आते हैं स्नोफॉल में, तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप कुफरी पहुंच जाएंगे तो वहां पर होटल वगैरह की भी व्यवस्था, अगर आप एक रात रुकना भी चाहेंगे तो रुक भी सकते हैं, अन्यथा वापस आ सकते हैं। फन वर्ल्ड एक पहाड़ी पर बना हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बच्चों के लिए तो ये समझिए कि स्वर्ग है। ऊपर से आप इंजॉय करिए और चारों तरफ अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर यार्क का फोटो सेशन भी होता है, सेल्फी भी, तो आप लोग सेल्फी भी करा सकते हैं। और इसी के बाद जब आपकी सेल्फी पूरी हो जाए तो हिमालयन नेचर पार्क, हिमालय के जो जानवर हैं पहाड़ी जानवर, वो सब भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको डेवलप किया गया है, तो यहाँ पर जाना आप लोग ना भूलिएगा। और पूरे पहाड़ी का एंजॉय करते हुए आप वापस आ सकते हैं। 2 नाइट एंड 3 डे का मैं आपको बजट प्लान बता देता हूँ, पर पर्सन 6,000 to 7,000 इस पर खर्चा आने वाला है। लेकिन अगर आप लोग शिमला और या पूरी पहाड़ी को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसके आगे भी आप लोग जा सकते हैं। चैल पैलेस है, 41 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर आप लोग रुकते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। इसको आप लोग देखिए, और मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि देखता हूँ किस किस लोगों की कितनी मेमोरी है। इसको देखिए, कुछ याद आ रहा है? अच्छा, 3 इडियट, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 3 इडियट याद कीजिए। नहीं याद आया? श्यामल दास छोछड़ दास का ये पिताजी का घर है, ये देखिए। अब आपको फिल्म की शूटिंग देखकर याद आ रहा होगा। तो ये पैलेस में जाइए, पैलेस बहुत बढ़िया है। उसके बाद चले जाइए काली का टिब्बा, यह बहुत ही बढ़िया तरीके से मंदिर बना हुआ है, यह ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। और जब आप दोस्तों यहाँ पर जाएंगे तो आपको मानो ऐसा लगेगा कि बादलों से आप एकदम अलग दुनिया में आ गए हैं, और यहाँ का व्यू देखने लायक होता है। तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। और अगर आप और भी रुकते हैं तो नारकंडा है 60 किलोमीटर पर, वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी होटल वगैरह बहुत कुछ है। तो पूरी हिमालयन पहाड़ी को आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका मन और भी कुछ घूमने के लिए है तो आप लोग चले जाइए। इसके बाद नालधेरा, बेहद खूबसूरत जगह है, यहाँ पर कैंपिंग भी होती है, तो यहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। नालधेरा को एंजॉय कीजिए यहाँ पर। और इसके बाद अगर और भी कुछ, देखिए घूमने के लिए तो यहाँ पर बहुत है, मशोबरा भी है, बेस्ट प्लेस है, शिमला से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर भी आप लोग एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। और मशोबरा के बाद एक जगह और है, तो वहाँ पर भी आप लोग एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एक हफ्ते का देखिए टूर प्लान बना के आइए, तो आप लोगों को काफ़ी आनंद मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आने पर मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।